बंदर में उठे अचानक तूफान के कारण पिछले 48 घंटों से भारी बरसात हो रही है, जिससे आसपास के गांव में बहुत पानी भर गया है। वहां के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने का इंतजाम जिला प्रशासन ने किया है, लेकिन फिर भी काफी गांवों में पानी भरने की वजह से लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाना मुश्किल है, ऐसा कलेक्टर ने बताया है। साहब, तूफान से पीड़ित ऐरे गहरे लोगों को राम अवतार वर्मा बचाकर सीधे हमारे यहाँ ही लेकर आ रहा है। मालूम है, इसीलिए तो मैं उनसे निपटने के लिए तैयार बैठा हूँ। ए राजा, बच्चों और बूढ़ों को जल्दी दे। सब लोग इधर क्यों आ रहे हो? ये मंदिर मेरे पुरखों ने बनवाया है, तुम्हारे जैसे ऐरे गहरे लोगों की वजह से मैं इसे अपवित्र नहीं होने दूंगा। भगवान मंदिर में नहीं, लोगों के दिल में बसता है। इन लोगों की वजह से मंदिर अपवित्र होगा कहके तुम भगवान की निंदा कर रहे हो। बकवास बंद करो और वापस चले जाओ यहाँ से। हम लोग वापस जाने के लिए नहीं आए हैं। तुम लोग नहीं जाओगे तो काट दिए जाओगे। नीलकंठ वर्मा, अरे तुम मेरे बारे में नहीं जानते, जाके पूछो इन पेड़ पौधों से, पहाड़ों से या गाँव वालों से पूछो। मैं 10 लोगों की भलाई के लिए मरने को तैयार रहता हूँ या किसी को मारने को तैयार रहता हूँ। अपनी जान प्यारी है तुम्हें तो रास्ते से हट जाओ। हम लोगों ने भी हाथों में कोई चूड़ियां नहीं पहन के रखी है। ए, मारो इनको। मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना हम लोग सर कुचलते हुए अंदर चले जाएंगे। ए, आने दो इनको। आ जाओ अंदर। हे हे, इसके माँ बाप कौन है? मेरा कोई नहीं है सब। आ जा, तुम डरो मत बेटा, चल आ जा। साहब, भगवान के प्रसाद में विष क्यों मिला रहे हैं? तूफान जरूर रुक गया है, लेकिन मेरे दिल में बदले की भावना नहीं रुकी है, इसीलिए विष मिला रहा हूँ। ठीक है, इससे अवश्य रुकेगा। जैसे उस रामावतार वर्मा की वजह से मेरी इज्जत गई है, वैसे ही इस विष की वजह से उसकी जान जाएगी। ए, जाकर उस छोकरे को पकड़ो। चलो। साहब, प्रसाद में जहर मिला हुआ है, मत खाइए। राजा जी सर, झोपड़ी जल रही है। ए, आग लगी, पानी लाओ जल्दी, चलो चलो चलो। ये क्या, बना बनाया काम बिगड़ गया। दिमाग मत खाओ मेरा। अरे इसला जल्दी लाओ, अरे कुछ लाओ। बैठो, यहाँ बैठो तुम, लो ये पानी पियो। जब तुम अंदर थे तो बाहर से दरवाजा बंद किसने किया? नीलकंठ वर्मा और पुजारी दोनों ने मिलके आपके प्रसाद में जहर मिला दिया था साहब। ये बात जब मुझे पता चली तो उन्होंने मुझे बंद कर दिया। मैं पुलिस स्टेशन आके कंप्लेंट लिखवा दूंगा। ठीक है, हम चलते हैं। चलो। ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देवता स्वरूप हमारे सांप और एक मासूम बच्चे को मारना चाहा। झोपड़ी में आग उन्होंने नहीं, मैंने खुद लगाई थी साहब, क्योंकि मैं आपको जहर खाने से रोकना चाहता था। बेटा, अगर तुम मर जाते तो? आप ही ने तो बोला था 10 लोगों की भलाई के लिए
अगर एक मर भी जाए तो कोई बात नहीं, आपने हमारे गांव को बचाया। आप जैसे महान व्यक्ति के लिए ये अनाथ अगर अपनी जान देते तो कोई बात नहीं। ऐसा मत कहो बेटा, कौन कहता है कि तुम्हारा कोई नहीं, मैं हूँ ना। सुनिए, हम इसे अपने साथ ले चलते हैं जी। तेरा नाम क्या है बेटा? सम्राट नाम है मेरा। जानकी, कितने दिनों की मेहनत के बाद भगवान का यह हीरो का मुकुट बन के आया है, तुम्हें कैसा लगा? बहुत सुंदर है जी। क्योंकि इसे सम्राट ने बनवाया है, भगवान को भी पसंद आएगा। बहुत बढ़िया है। दामाद जी कहाँ है बेटी? मैं तैयार हो गया हूँ, मैं कपड़े पहनने में थोड़ा आलसी हूँ ना। घर जमान जो ठहरा, ज्यादा खाएगा और लेट आएगा। चुप रहिए, वो सुन लेंगे। अरे राम भरोसे, सम्राट कहाँ है? कह रहा था फूल माला पूजा का सामान वगैरह बाजार से लेकर वहीं पहुंच जाऊंगा। तो उन्हें भी चलने को बोलो। अरे 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 अरे, मुझे भी तो बुलाइए। मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। अरे भाई आ रहा हूँ, बिना बुलाए थोड़े ही। अरे ये भी चल दिया। साहब जी, आप नहीं आ रहे हैं क्या? जरा रसोई की तरफ ध्यान रखिए, कोई कुत्ता ना आ जाए, वैसे बकरी भी आ सकती है दूध पीने। घर को क्या रखिए वो? कोई हमें क्या बुलाएगा, हम खुद ही चलते हैं। ससुर जी, हाँ। पुलिस बंदोबस्त के बिना इतना कीमती मुकुट ले जाना ठीक होगा? जब तक अपना सम्राट है तो पुलिस की क्या जरूरत। समधी जी, आपने तो हमारी इज्जत ही निकाल दी। जब वीर पुरुष प्रीतम आपके साथ है तो वो सम्राट किस काम का, क्योंकि असल में वीरता अगर दिखानी हो तो हम जैसे इज्जतदार चाहिए। अरे आप भी, वैसे इस छोटे से काम के लिए इज्जत और शोहरत क्यों, आप ही पकड़ लें। ये वही ना बात। थोड़ी देर ठहरिए ना, वो गाड़ी सिर्फ फैमिली वालों के लिए है, आपके लिए पीछे वाली गाड़ी है। अरे सम्राट कहाँ है? वाह, देखो देखो, वो बंदर होकर भी मुझे नमस्कार कर रहा है। उसके जैसे संस्कार तुम लोगों में क्यों नहीं है? अरे बंदर नमस्कार कर रहा है मतलब हमको दाल में कुछ काला लग रहा है। चिरंजीवी। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया भैया? अरे बंदर, अरे अरे बंदर, बंदर मुकुट ले गया। अरे पकड़ो उसे, पकड़ो। अरे अरे साहब जी, अरे साहब जी, बंदर मुकुट उड़ा के ले गया भाई। चलो काम हो गया, जाइए ना, छुड़ा के लाइए। अरे वो इतने सारे लोग हैं, मैं अकेले क्या करूंगा। चलो मजे करते हैं इससे। सम्राट, सम्राट, कोई चोर मुकुट को उड़ा कर ले जा रहा है। चाकू मार दूंगा। सुन सुन सुन, ए, 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 देख देख देख, चाकू तेज है, ए, तुझे भी मार दूंगा। चल चल भाग यहां से, चल। देखो मेरा। ओ कचरे, सिगरेट के लिए पंगे ले रहा था। अब आया ना मजा। अरे इतनी जल्दी भी क्या, हम लोग बात कर रहे हैं ना, समझे? तू दोबारा शुरू हो गया, स्टडी, रुक जा। हाथ क्यों उठा रहा है, मुझे मारेगा? मारने के लिए नहीं, मेरा हाथ उठा है मूंछों को घुमाने। अच्छा, के लिए घुमाएगा, देखते क्या होता है। ये सम्राट मूंछों पर ताव देगा तो पूरे इलाके में बादल गरजने लगेंगे। इतना दम है? अरे ये बात मुझसे नहीं बे साले, अपने पूरे देश में जो करोड़ों की आबादी है उनसे पूछे, वो बताएंगे हमारे बारे में। चल चल फेंक मत। ठीक है, अगर तेरे को इतना ही शौक है तो दिखा देता हूँ। ओके। तेरी बात का जवाब दे रहा हूँ तो तुझे मजाक सूझ रहा है? ए अभी मैं सीरियस होके दिखाता हूँ, चले भाग। लगता है अब कुछ करना ही पड़ेगा।
कुंग फू आता है क्या? कुश्ती करेगा क्या? चाकू घुमाना जानता है? लाठी चलाना आता है? कराटे जानता है क्या? तैरना आता है तुझे? नहीं। क्या बे, इसे अपने बाप का माल समझकर तूने दबोच रखा है क्या? यह भगवान जी का मुकुट है। ये हुई ना बात। सुन, सारी दुनिया में तुम लोगों की अच्छी इज्जत है, उसे इन जैसे बेकार लोगों के साथ मिला के खराब मत करो, वरना काट दूंगा।